हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वन सेकेंड। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हुआ था उसका एक्सपीरियंस गाइस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को पता होगा कि मेरा आरआरबी क्लर्क में तो सिलेक्शन हो गया, बट आरआरबी पीओ में मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ। मेरा कट ऑफ से 10.6 मार्क्स गाइस अबव था और मेरे को इंटरव्यू में ओनली 52 मार्क्स मिला। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या गलती किया था जिस वजह से मेरे को मार्क्स नहीं मिला था। और सामने गाइस आप लोगों का IBPS PO SBI PO का इंटरव्यू है, तो आई होप इससे आपको कुछ मदद मिल जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते। सबसे पहले गाइस, मेरा इंटरव्यू था 7 नवंबर, ओके। और मेरा शिफ्ट था गाइस सेकेंड शिफ्ट, मतलब दोपहर का 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैं वहाँ पर 12:30 बजे तक मैंने पहुँच गया था। पहुँचने के बाद गाइस वहाँ पर 1:45 PM पर हम लोगों ने इंटर किया, मतलब तब तक भी इंटरव्यू फास्ट पे चल रहा था, मतलब इतना डिले हो रहा था। तो 1:45 PM पे मैंने इंटर किया वहाँ पर, और मेरा इंटरव्यू गाइस हुआ कोलकाता यूनाइटेड टावर, ओके, PNB जो हेड ऑफिस है, मतलब जोनल ऑफिस, तो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। तो मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद एक बड़ा सा हॉल में बिठा दिया गया। तो वहाँ पर जाके सबसे पहले गाइस हुआ बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के बाद वहाँ पर फोटो वगैरह सब क्लिक किया, उसके बाद DV स्टार्ट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और गाइस मेरा उस पैनल में मेरा पैनल नंबर 2 था और सबसे लास्ट में मेरा नाम था, सबसे लास्ट, एकदम लास्ट में मैं था। तो गाइस DV स्टार्ट हुआ, मैं तो बैठ बैठ के बोर हो चुका था, मतलब सभी लोगों का DV ख़त्म हो चुका था, मैं अकेला बैठा हुआ था। तो बैठ बैठ के मैंने तो मतलब बोर हो गया, तो वहाँ पर चाय वगैरह ऑफ़र किया उन लोगों ने, चाय बिस्किट कॉफ़ी ऑफ़र किया, तो मैंने चाय भी थोड़ा बहुत पी लिया। उसके बाद अराउंड 5:30 PM पर मेरा DV हुआ। डीवी होने के बाद लिफ्ट से और 2 फ्लोर ऊपर लेके गया था वो लोग, उन लोगों ने। तो फिर 6:30 PM शाम मैंने 1:45 PM पे इंटर किया इंटरव्यू देने के लिए, और 6:30 PM पर मैंने इंटरव्यू के लिए इंटर हुआ, ठीक है। तो 6:30 PM पर मेरा बिल रिंग हुआ, तो मैंने इंटर किया। एक छोटा सा गाइस रूम था, तो जब मैंने इंटर किया वहाँ पर 7 फैकल्टीज थे, ठीक है, और एक बड़ा सा टेबल था, मतलब एक रेक्टेंगुलर बेस टेबल था, और उन लोगों ने मतलब ऐसे बैठे हुए थे चारों तरफ, मतलब घिर के चारों तरफ बैठे हुए थे। जब मैंने इंटर किया, मैं हालांकि वेस्ट बंगाल से हूँ, तो इसलिए मेरा पूरा इंटरव्यू गाइस लैंग्वेज मतलब बंगाली में ही हुआ था, ओके। तो मैंने बोला कि आई मैं कमिंग सर, तो उन लोगों ने बोला इस कमिंग। तो मैंने जाके सभी लोगों का, तब तक गुड इवनिंग हो चुका था, तो मैंने विश किया सभी को कि गुड इवनिंग मैम। मैम को पहले मैंने विश किया और उसके बाद सारे लोगों को विश किया। और मैंने जाके बैठा, और मेरा राइट साइड में, एकदम राइट साइड में मैम थी, और सामने 4 सेट थे और इस साइड 2 सेट थे, ओके। और सामने 4 में से जो मीट वाला बंदा था वो चेयरमैन सर था, ठीक है। तो जाके मैंने बैठा, तो मैंने देख के थोड़ा शौक हो गया कि मतलब 7 फैकल्टीज एक साथ, और इस साइड जो 2 फैकल्टी थे वो लोग सिर्फ वॉच कर रहे थे, मतलब वो कुछ नहीं मतलब बोला, बस पूरा इंटरव्यू उन लोगों ने वॉच किया मेरे ऊपर। तो जाके पूरा बंगाली में स्टार्ट हुआ। जो ये जो सामने जो 4 फैकल्टी थे उसमें से जो एकदम मेरा लेफ्ट साइड में जो था वो सबसे पहले सवाल करना स्टार्ट किया, मेरे को पूछा अपने बारे में कुछ बताइए बंगाली में। तो मैंने बता दिया, उसके बाद मतलब इंटरव्यू पूछा, तो मैंने बता दिया। उसके बाद सर ने पूछा कि आपने कुछ NGO वगैरह रन किया, कुछ कुछ गाँव में कुछ काम वाम किया? तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने कुछ NGO में जो नहीं चलाया और मैंने गाँव में कुछ काम भी नहीं किया। उसके बाद वो सर ने मेरे को पूछा, उन्हीं ने मेरे को पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आपको गांव में कोई बैंक है? मैंने बोला हाँ सर, मेरा गांव में बैंक ऑफ इंडिया है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आपका जो बैंक है गांव में, वहां पे प्रॉब्लम क्या क्या है, समस्या क्या क्या है? तो मैंने बोला कि सर मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जाके बैंक में लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, तो मैं जाके सर मदद कर देता हूँ, कि मैं समझा देता हूँ कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो इस बात पे वो सर ने मेरे को मतलब ग्रीट किया, कि ये बोला कि अच्छा बहुत बढ़िया, आप हेल्प करते हो, बहुत बढ़िया वेरी गुड, ऐसे बोला। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले सर, मतलब मेरा लिफ्ट में वो सर थे, उसके अगल में बगल में जो सर थे वो मेरे को सवाल करना स्टार्ट किया। मेरे को बोला कि मैंने तुम बैंक में जब PO बन के आओगे उसके बाद तुम सबसे पहले क्या करोगे आगे? तो मैंने बोला कि सर सबसे पहले मैं काम सीखूंगा, काम सीखने के बाद सर लोगों को मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, और सर मतलब ब्रांच कैसे प्रॉफिट कमाएंगे उसके बारे में सोचूंगा। तो ये सब मैंने बोलना स्टार्ट किया, बट वो सर सुनना चाह रहे थे कि मैं बोलूँ कि ट्रेनिंग करूँ जाके। वो मेरे को कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मतलब एक मिनट से, कि
क्या करोगे क्या करोगे, तो मैं बोल रहा था, बट आखिरी में सर ने बोला कि तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे। तब मैंने बोला हाँ सर ट्रेनिंग करूँगा, बट मेरे को ये पता नहीं है कि मतलब RRB में हमारे स्टेट में मतलब सभी बैंक में ट्रेनिंग होता ही नहीं है, मतलब पूरा डायरेक्ट ब्रांच पोस्टिंग होता है। बट फिर भी उन्होंने मेरे को पूछा तो मैंने बोला, बस वो थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं था इस आंसर की वजह से। उसके बाद आया चेयरमैन सर के बारी, और यहाँ पर ही मैंने गाइस गलती किया और यहाँ पर ही मैंने फंस गया था। ध्यान से सुनना, चेयरमैन सर ने मेरे को सवाल करना स्टार्ट किया जो मेरा एकदम बिल्कुल मतलब सामने थे सर, और उसके सामने एक लैपटॉप खुला हुआ था, ठीक है, लैपटॉप। और लैपटॉप में जो मैंने IBPS फॉर्म फिल करने का टाइम जो मैंने डाटा फिल किया था वो उसका सामने था। तो सर ने मेरे को सवाल करना स्टार्ट किया, सबसे पहले पूछा कि मीना तुम कहाँ से बीटेक किया, तो मैंने बोला कि सर इस कॉलेज से मैंने बीटेक किया। उसके बाद सर ने पूछा कि आपका कॉलेज में कोई दूसरे स्टेट से कोई बंदा था, मैंने बोला हाँ सर मेरा कॉलेज में उड़ीसा बिहार झारखंड से बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट थे, फ्रेंड्स थे। तो उसके बाद उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, अच्छा तुम उसके साथ किस लैंग्वेज में बात करते थे, मैंने बोला सर मैं उसके साथ हिंदी में बात करता था। फिर वहाँ पे सैन ने मेरे को सवाल किया, फिर तुमने यहाँ पर हिंदी क्यों नहीं पुट किया। तब मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया वहाँ पर, मतलब मेरे को देखो IBPS फॉर्म फिलअप करने का टाइम क्या होता है ना, वहाँ पर ना एक कॉलम होता है, तीन कॉलम, वहाँ पे लैंग्वेज फिल करना होता है, मतलब बंगाली रीड राइट स्पीक, हिंदी रीड राइट स्पीक। तो मैंने बंगाली को रीड राइट और स्पीक में टिक किया और सिर्फ इंग्लिश दिया और रीड राइट दिया, स्पीक मैंने नहीं दिया और हिंदी पुट ही नहीं किया। और ये मेरे को याद नहीं था बिकॉज फॉर्म फिलअप मैंने किया था शायद जून में और इंटरव्यू हो रहा था नवंबर में, और ये मैंने भूल गया था वहाँ पर, मैं थोड़ा फंबल कर गया वहाँ पर। मैंने बोला सर सर दिया नहीं है मैंने। फिर मैंने चेयरमैन सर ने बोलना स्टार्ट किया, नहीं देखो तुम देखो नहीं दिया तुमने। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर एक झूठ बोल दिया, ये मेरा गलती हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि सर मैंने ये फॉर्म साइबर कैफ़े में जाके फिल किया, इसलिए सर वहाँ पर शायद हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद सर ने मेरे को बोला कि तुमको एक बार चेक करना चाहिए था लास्ट में कि सही हुआ कि नहीं हुआ। इस बात में थोड़ा आर्गुमेंट हुआ शायद 1 मिनट तक। उसके बाद सर ने मेरे को ये बोला कि आगे जाके तुम चेक करोगे, हर एक चीज़ चेक करके फिर सबमिट करना। तो यहाँ पर क्या गलती हुआ गाइस, यहाँ पर उन्होंने ये समझ लिया कि मेरा अंदर कॉन्शियसनेस है नहीं, तो ये गाइस मेरा गलती हो गया। वहाँ पर मेरे को आंसर ऐसे देना चाहिए था कि सर यहाँ पर तो सर वेस्ट बंगाल में बंगाली में हर एक काम होता है तो इसलिए हिंदी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने हिंदी नहीं पुट किया। बट मैंने ये आंसर नहीं दिया, मैंने बोल दिया कि मतलब मैंने सर पुट नहीं किया, तो ऐसे करके मैंने थोड़ा फंबल कर दिया वहाँ पे। तो ये शायद गलती है मेरा, इस वजह से मेरा नंबर घट गया, हो गया। उसके बाद चेयरमैन सर ने मैम के पास ट्रांसफ़र कर दिया। और गाइस मैंने इंटरव्यू से पहले इतना बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर कर गया, एक भी सवाल नहीं पूछा था, बस मैम ने 2 सवाल मेरे को पूछा है, मैम के पास ट्रांसफ़र कर दिया। मैम ने मेरे को पूछा कि ये बताओ NPA क्या है, तो मैंने बता दिया NPA ऐसे होता है। उसके बाद मेरे को मैम ने पूछा कि बताओ NPA एग्रीकल्चर NPA कितना दिन में होता है, तो वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद जो चेयरमैन सर के बगल में जो सर ने मेरे को इंट्रोडक्शन पूछा पहले, वो सर ने बोला मीना योर इंटरव्यू इज़ ओवर यू मे गो नाउ। तो उसके बाद मैंने वहाँ से उठा, उठ के बाद मैंने सभी सर को बोला सर गुड नाइट, बिकॉज मैं आखिरी कैंडिडेट था तो इसलिए मैंने गुड नाइट बोला। गुड नाइट बोलने के बाद सर ने मेरे को बोला एक टॉफ़ी ले लो, चॉकलेट था सामने, मैंने एक ले लिया। उसके बाद जो सर ने मेरे को पहले सवाल करना स्टार्ट किया ना, वो सर ने मेरे को आखिरी में जाके आखिरी में बोला कि वेरी गुड मोइना, ऑल द बेस्ट। ये बोल के मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया और मैंने बाहर आ गया। और गाइस मेरे को मार्क्स मिला है 52 और मेरा 10.6 मार्क्स अबव था कट ऑफ से, और अभी मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ RRB PO। ठीक है, पता नहीं गाइस क्या होगा, अगर मेरे को इंटरव्यू में 59 मार्क्स मिल जाता और या फिर मेंस में 3-4 मार्क्स ज़्यादा मिल जाता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, और अनफॉर्चुनेटली लाख है मेरा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अभी एग्ज़ाम में हूँ, देखते हैं क्या होता है, पिछले साल अगले साल फिर से दूंगा RRB PO। तो यह गाइस मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोगों ने गाइस इंटरव्यू दिया, आपको कितना मार्क्स मिला मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो गाइस ऑल द बेस्ट, अगर अच्छा लगा कंटेंट तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में मैं आगे जाके बहुत वीडियो डालूंगा, मेरा पोस्टिंग कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, मैं कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सब डालूंगा वीडियो। तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।